हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ और एक्सरसाइज 5.2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8। 3 से लेके 8 तक जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं यहाँ पे बॉक्स बना के पोलर फॉर्म आपको लिख के देता हूँ कि व्हाट इज पोलर फॉर्म। जो पोलर फॉर्म होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो लिखा जाता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पर जो आर है वो मॉडुलस होता है और जो थीटा होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले थर्ड क्वेश्चन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वो है 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर हम लोग पहले आर यानी मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ लगा हुआ है माइनस का 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो √2 हो गया। तो जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू √2 आ गई। उसके बाद हमें थीटा कैलकुलेट करना है, दैट इज आर्गुमेंट। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे अल्फा, एंड अल्फा का फॉर्मूला क्या था, टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट और इसका मॉडुलस। वट इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर माइनस का 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियल पार्ट प्लस का 1 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस का 1 है। रियल पार्ट जो विदाउट आयोटा होता है और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ होता है। रियल पार्ट है मेरे पास 1, तो ये माइनस का 1 बनेगा, लेकिन क्योंकि हमने मॉडुलस यूज किया हुआ है तो इसीलिए हम लोग सिंपली इसको क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। नाउ अब tan इनवर्स 1, आपको पता है tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 45। तो tan इनवर्स 1 को मैंने लिख दिया 45। अब हमें ये थीटा निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थीटा और अल्फा के बीच में एक रिलेशन है और वो रिलेशन डिपेंड करता है कि हम जो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट आखिर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अभी बात आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर रियल वैल्यू, आपको पता है रियल वैल्यू एक्स के बारे में बताती है और इमेजिनरी वैल्यू वाई के बारे में बताती है। तो एक्स यहाँ पर मेरा पॉजिटिव है, वाई मेरा नेगेटिव है। तो x प्लस का और y नेगेटिव का ये किस क्वाड्रेंट की बात हो गई, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 की बात हो रही है, जब x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। इस केस में जो थीटा है वो माइनस ऑफ अल्फा के इक्वल आता है, तो यानी कि आर्गुमेंट जो है वो अल्फा के इक्वल होगा लेकिन साइन उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो थीटा है दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आई है और इसको अगर मैं पाई में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी पाई अपॉन 4, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास आर्गुमेंट। अब पोलर फॉर्म में बदलना है तो मेरे पास ये मैंने पहली फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो आर, आर की वैल्यू है √2। इधर मैं लिखता हूं साइड में पोलर फॉर्म, तो √2 कॉस थीटा, थीटा की जगह पर है माइनस का पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन थीटा और थीटा की जगह पर माइनस पाई बाय 4। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो आ गया। तो सबसे पहले हमने मॉडुलस कैलकुलेट करना है, मॉडुलस कैलकुलेट करने के बाद हम लोग अल्फा कैलकुलेट करेंगे,
टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट मॉडुलस के साथ, फिर एंगल की जो वैल्यू आएगी दैट इज अल्फा 45 डिग्री, थीटा यानी आर्गुमेंट निकालने के लिए अल्फा और थीटा का रिलेशन है जो चारों क्वाड्रेंट्स में हमें अलग अलग मिलता है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो मेरे पास नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो मेरा किस क्वाड्रेंट में आया, रियल वैल्यू प्लस की थी इमेजिनरी माइनस में, रियल पार्ट शो करता है एक्स की वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट शो करता है वाई की वैल्यू, तो पॉजिटिव कोमा नेगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो माइनस अल्फा के इक्वल है, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हमने लिखा, तो एंगल माइनस 45 इन टर्म्स ऑफ रेडियन इट्स पाई बाय 4 और ये हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मेरे पास z इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का आयोटा, तो रियल पार्ट है माइनस का 1 जो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट प्लस का 1 है जो y की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, माइनस प्लस x की वैल्यू नेगेटिव है y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये मेरा क्वाड्रेंट नंबर 2 आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये मैंने पहले ही इस बार इंफॉर्मेशन ये लिख लिया। अब सबसे पहले तो मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट की वैल्यू है माइनस का 1 और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है प्लस का 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और इधर भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 मतलब मेरा मॉडुलस आ गया, मॉडुलस निकल गया। अब बात करेंगे आर्गुमेंट की, लेकिन उससे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है अपने को, अल्फा टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, 1, रियल पार्ट माइनस 1, तो ये 1 बनेगा माइनस का, लेकिन मॉडुलस लगा होने की वजह से इसको सिंपली मैं क्या लिख लूंगा, 1। अगेन सेम ही है, तो टैन के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री अपन लिख लेंगे। इन टर्म्स ऑफ पाई क्या बन जाएगा, ओके उससे पहले रिलेशन ढूंढना जरूरी है, या फिर एक बार इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, लिख लो कोई चक्कर नहीं, पाई बाय 4। तो चलिए अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या रिलेशन बनेगा वो अब आप फाइंड करेंगे। वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा का रिलेशन क्या है, थीटा जो है वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, यानी कि जो आर्गुमेंट है थीटा पाई में से अल्फा माइनस करेंगे, व्हाट इज अल्फा, पाई बाय 4, तो एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल टू 3/4π, तो ये मेरे पास थीटा कैलकुलेट होकर आ गया, थीटा मतलब आर्गुमेंट। तो अब मुझे करना क्या है, पोलर फॉर्म लिखनी है, तो मैं इधर बॉक्स में पोलर फॉर्म लिख देता हूं। पोलर फॉर्म में क्या लिखना है मुझे, पहले पोलर फॉर्म का पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आर जो है वो मेरे पास है यहाँ पर अभी आया है रूट टू, तो रूट टू लिख देंगे, थीटा है 3π/4,
प्लस आयोटा साइन 3π/4π। तो इस तरीके से ये हमारा डन हो गया। तो मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है अगर मॉडुलस निकल गया वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, अगर आप अल्फा कैलकुलेट कर लेते हो और ये क्वाड्रेंट से डिसाइड हो गया और आपको ये फॉर्म याद हो गई कि पहले में क्या है सेकंड में क्या है। मैं अभी देखो आज चारों के चारों नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वन बाय वन जो क्वेश्चन में आ रहा है सिर्फ उसी को कर रहे हैं ताकि बाकी सारे मटेरियल अपना मतलब कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके की। लो नेक्स्ट करते हैं अब अपन। नेक्स्ट है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस का वन माइनस का ही आयोटा। देखो ये भी आपको अलग मिल गया, रियल पार्ट है माइनस वन मतलब कि एक्स की वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट कोफिशिएंट ऑफ आयोटा जो माइनस वन है ये वाई की वैल्यू हो गई। तो दोनों ही वैल्यूज आपको नेगेटिव है और माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो बड़ी बात अपनी देखिए, अब पहला क्वेश्चन मिला फोर्थ क्वाड्रेंट का, दूसरा मिला मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया अपा ने वो हमें मिला सेकंड क्वाड्रेंट का, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट का। तो पहले तो अपन मॉडुलस निकालते हैं, दैट इज आर रियल पार्ट माइनस वन का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट माइनस वन का स्क्वायर। तो ये बन गया वन प्लस वन रूट टू के इक्वल। तो मॉडुलस निकल गया। आर्गुमेंट निकालने से पहले निकालते हैं अपन अल्फा, टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई है अपना माइनस का वन, एक्स भी है माइनस का वन। तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस माइनस वैसे भी कट रहे हैं और ना भी कटते फिर भी मतलब पॉजिटिव का आना चाहता। तो देखिए एंगल भी तीनों में सेम आया है, दैट इज 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो बदलती रह रही है क्योंकि थीटा की वैल्यू, क्योंकि हम लोगों का क्वाड्रेंट बदलता जा रहा है। अब क्वाड्रेंट डिसाइड करना है कि मतलब क्या रिलेशन है, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बना के दिखा रहा हूँ आपको। क्वाड्रेंट बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे किस क्वाड्रेंट में वैल्यू बदल रही है। तो दोनों नेगेटिव है, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो इक्वल होता है अल्फा माइनस पाई, यानी सेकंड में था पाई माइनस अल्फा तो उसका पलट देते अपन, साइन पाई का वहां पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव हो गया, अल्फा वहां पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, अल्फा की वैल्यू है पाई बाय फोर माइनस का पाई, फोर एलसीएम ले लेंगे तो पाई माइनस फोर पाई, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस का थ्री अपॉन फोर पाई। तो देखिए थीटा की जो वैल्यू पहले आई थी वही आई है लेकिन साइन चेंज हो गया। अब थीटा यानी आर्गुमेंट आ चुका है, नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन इट्स पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म लिखते हैं पापा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो व्हाट इज आर, रूट टू कॉस थीटा माइनस का थ्री अपॉन फोर पाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस का थ्री अपॉन फोर पाई। तो इस तरीके से ये हमारी पोलर फॉर्म यहाँ पर डन हो गई। तो क्वेश्चन नंबर थ्री फोर और फाइव तीनों में देखा मॉडुलस सेम था, एंगल अल्फा भी सेम आया लेकिन थीटा तीनों में डिफरेंट होता गया क्योंकि क्वाड्रेंट हमारे पास अलग अलग होते गए इस तरीके से। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बता देता हूँ, हालांकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का न्यूमेरिकल नहीं था इन तीनों में से कोई, कि अल्फा और थीटा इक्वल होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और थीटा इक्वल होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा का माइनस होता है और सेकंड में अल्फा मतलब माइनस का और पाई में से करना होता है। तो
ये रिलेशन होता है आपके आर्गुमेंट और अल्फा के बीच में इन फोर क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये चीज आपकी चलती है। आई होप ये तीन क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।